आरती से। ओ भाई बिजली की इफेक्ट। हे बस सब गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं रांची पाई। बहुत ज्यादा औसम गेम है और ये इंडियन गॉड पे बेस गेम है। और भाई हम लोग की एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है रांची, और उसको भाई देवी दुर्गा पावर देती है, फिर विष्णु अपनी पावर देते हैं भाई, और भी मतलब धीरे धीरे गॉड्स अपनी पावर देते जाते हैं, क्योंकि उसको अपने भाई को बचाना है डीमन से, मतलब दानवों से, और उस दानव का नाम है महिषासुर। भाई उसको हराने जाना है, तो मैं चलता हूँ भाई, गेम को स्टार्ट करता हूँ तेजी से इस दानव को हराने के लिए। स्टोरी मोड है, चैंपियन मोड है, वन शॉट वन किल इज अ कॉम्बैट अलाउ यू टू फोकस ऑन स्टोरी किल और गेट किल इन वन शॉट। ओके, अनलॉक आफ्टर फिनिशिंग द गेम इन ईदर स्टोरी और चैंपियन मोड। चैंपियन मोड में क्या है, प्ले द गेम एज इंटेंडेड, चूज बिटवीन डिफिकल्टी अपोनेंट्स और इजी, नॉर्मल और डिफिकल्ट। तो मेरे को चैंपियन मोड खेलना चाहिए कि स्टोरी मोड खेलना चाहिए? चैंपियन में चले गया, अब एक चैंपियन में चलते हैं, नॉर्मल रखते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखेंगे। स्टोरी मोड में क्या होगा फिर, अलग अलग होगा क्या थोड़ा? आओ भाई स्टोरी मोड में चलते हैं हम लोग। इनेबल ट्यूटोरियल, डिसेबल ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल चाहिए हमें तो ट्यूटोरियल पे चलते हैं। हिंदी लैंग्वेज, हिंदी रखते हैं भाई, हिंदी में देखेंगे भाई, पहला गेम हिंदी में, ये इंडियन डेवलपर ने बनाया है इसलिए इसमें हिंदी इंग्लिश के दोनों ऑप्शन है। हमारी कहानी ओ भाई, ओ भाई बिल्कुल इंडियन कल्चर दिखा रहे हैं यार। और राजी भाई और बहन है, ओ भाई कितना प्यारा लग रहा है यार, ये पपिट वाला क्या बोलते हैं इसे, पपिट टाइप की मूवी चल रही है एक तरीके से ऐसा लग रहा है। और ये उनकी सारी दुनिया थी, ये छोटा सा मेला। भाई बहुत ही औसम बनाया है यार इन लोगों ने, के दोस्त थे, परिवार थे, यही उनका घर था। उस दिन करतब दिखाने से पहले राजी अपने भाई को एक और लेकर गई। क्या तुम भूल गए छोटे भाई, उसने भाई से पूछा, और उसने भाई के हाथ पर राखी बांध दी, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। ओ भाई बहुत प्यारा एनिमेशन है यार ये भी, भाई मैं बहुत सालों बाद ऐसे एनिमेशन देख रहा हूँ जो पपेट टाइप वाले हैं। तब भी उन्हें पैसे कमाने थे, इसलिए राजी रस्सियों पर चली और दर्शकों को करतब दिखाया। एक बार मैं चैंपियन मोड भी ट्राई करूंगा, अभी तो स्टोरी मोड में हूँ, तो शायद मैं दूसरी वीडियो एक बार चैंपियन मोड में ट्राई करूंगा, क्योंकि चैंपियन मोड में है क्या कि उसको चैंपियन मोड दे रखा है, उसको स्टोरी मोड दे रखा है। प्राचीन समय की कठपुतलियों की कहानी सुना रहा था जब असुरों ने उस धरती पर कदम रखे। ओ भाई डीमंस, राक्षस, बहुत समय पहले की बात है भाई, ये तो ब्रह्मदेव है यार। ऐसी साधना को देखकर ब्रह्मा ने उसे अमर होने का वरदान दिया, और ये त्रिशूल शिव जी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र है। उसे पाने के बाद उसने सभी असुरों को युद्ध के लिए बुलाया। ओ भाई डीमन वर्सेस गॉड, भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है यार गेम में। भूमि देवी ने उसे रुक जाने के लिए कहा, उसने भूमि देवी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। भाई क्या स्टोरी टेलिंग है यार, मजा आ रहा है शिव जी। इससे ओ भाई शिव बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपना पैर पटका। ओ भाई पृथ्वी दो टुकड़े में हो गया क्या? हाँ साथ ही असुर दो टुकड़े हो गए पृथ्वी के। लेकिन जैसे ही वो बोला आसमान में अंधेरा छा गया और पृथ्वी कांपने लगी, और असुरों जैसे दिखने वाले लोग भीड़ में से निकल गए। ओ भाई असुर वापस आ गए मतलब, नहीं थे। और ये बच्चों की कहानी नहीं थी, ओह भाई असुर वापस आ गया मतलब वहां से जहाँ पे कैद किया था इन लोगों को। राजी ने अपने भाई के पास जाने की कोशिश की,
उसे चोट लगी थी और वो डरा हुआ था और वो जानती थी कि उसे अपने भाई को बचाना ही होगा। लेकिन राजी तब हार गई। मर गई क्या हम लोग की मेन कैरेक्टर? गोलू को ले गए। नहीं मरी नहीं है, जिंदा है। ओके, राजी के भाई को असुर ले गए और राजी उसको बचाने जाएगी। इसमें भाई असुरों से लड़ने जाएगी, इसको शायद भगवान पावर देंगे मेरे हिसाब से। जागो मेरी बच्ची। हाँ भाई, भगवान लोग पावर देंगे इसे। ओ भाई ग्राफिक्स देखिए कितनी प्यारी लग रही है यार। ओ भाई मतलब ये 40 मतलब मान के चलिए 40 टाइप का है भाई ये। मुझे माफ कर दो भाई। ओ भाई 40 टाइप का एनिमेशन है इसमें शायद। ये 4D बोलते हैं मेरे हिसाब से इसको, 3D बोलते हैं। ये है 4D भाई। पायल की आवाज तक आ रही है इसके पैरों की, राजी के पैरों की आवाज तक आ रही है यार। और अभी हम लोग वहां से जगे जहां से शायद हमको पावर मिली है अभी। और अभी रांझी अपने भाई को ढूंढ रही है यार। लेकिन बहुत प्यारे ग्राफिक्स बनाए यार इन लोगों ने। कैरेक्टर थोड़ा सा दूर है, अगर पास होता तो मजा आ जाता थोड़ा। लेकिन भाई ग्राफिक्स बहुत प्यारी हैं यार। ओके मैं पास जा सकता हूँ शायद। ओके मैं कैमरा दूर और पास कर सकता हूँ यार, ये सही है। ये देखो मैं इतना पास जा सकता हूँ मैक्सिमम, इतना मेरे को पता है। मैं शेर के मुँह में आया हूँ अभी यहाँ से, और मैं यहाँ से देखो जैसे कैमरा मेरे को जूम आउट करना है थोड़ा, तो मैं जूम आउट कर सकता हूँ। और पास जाना है तो मैं पास कर सकता हूँ भाई, ये सही है यार। ओ भाई गेम लेकिन बहुत प्यार, ज्यादा प्यार लग रही है यार। वो बहुत ही छोटी है, एक बच्ची। ओके भगवान माँ शिव काली की याद कीजिए। एक मानव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। क्या ये शक्तिशाली है? ये तो भगवान की बात। ओ नंदी, ओ भाई नंदी महाराज, ओ भाई नंदी महाराज यार। माँ दुर्गा, माँ दुर्गा है, मेरे को लगा महाकाली है, लेकिन माँ दुर्गा है भाई ये। राजी माँ दुर्गा के पास चले गई है पावर पाने के लिए। ओ भाई माँ दुर्गा की पावर मिलेगी राजी को लग रहा है। भाई एनिमेशन बहुत प्यारा दे रखा है इन लोगों ने भी। लेकिन भाई स्टोरी दिखाने का अंदाज बहुत ही ज्यादा प्यार ले रखा है इन लोगों ने। जो हम लोग का कल्चर है मतलब पपिट से रिलेटेड वाला। बच्चों को गदासुर ले गया। ओ भाई उसी के टाइप का इन लोगों ने एनिमेशन देने की कोशिश की है, लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है इन लोगों ने। बनना होगा उसकी यात्रा अनजानी और बहुत मुश्किलों से भरी होगी। मैंने उसे आशीर्वाद में त्रिशूल दिया है, मेरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो भगवान शिव ने मुझे दिया था। इस त्रिशूल और राजी की खुद की पवित्रता और शक्ति से उसके भाई की जिंदगी बच जाएगी। ओ भाई माँ दुर्गा को जो शिवजी ने त्रिशूल दिया था वो त्रिशूल अब हमारे पास है। अब हमको ये त्रिशूल लेना है भाई। त्रिशूल छोटा हो गया। ओ भाई अब हमको त्रिशूल मिल चुका है दानवों से लड़ने के लिए। अब मजा आएगा ना भाई। और भाई माँ दुर्गा की तस्वीर देखो कितनी औसम लग रही है। तस्वीर बोल रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं पुतला भाई। स्टैचू जो है माँ दुर्गा का बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इन लोगों ने जो घंटियाँ बनाई है भाई अच्छी लग रही हैं यार। और नीचे क्या बोलते हैं इंसान बनाए जो उनकी वर्शिप कर रहे हैं, जो उनकी पूजा कर रहे हैं, ये सही है यार। तो मेरे को अभी जाना उधर से ही जाना है मेरे हिसाब से, रास्ता तो वही लग रहा है मेरे को। थोड़ा मैं पास चलता हूँ यहाँ से, थोड़ा राजी पे फोकस करता हूँ। ओ भाई जंप करने का तरीका बताया मेरे को। वो दिल से सोचती है, विष्णु भगवान बात कर रहे हैं दुर्गा जी से। चलती है वो खंभों पर चढ़ती है, वो एक देवी के सामने बिना किसी डर के खड़ी है। ओ भाई
मेरे को नीचे, ओ भाई नीचे वहां पे ट्यूटोरियल टाइप का दिखा रहे हैं, वो देख रहे हो नीले कलर का, कैसे हमें कहाँ जाना है। ओ भाई पानी, वॉटरफॉल देखो कितना प्यारा लग रहा है। ओ भाई शिव जी के माथे से गंगा बह रही है यार, शिव जी के माथे से गंगा बह रही है, बहुत ही ज्यादा प्यारा एनिमेशन है यार भाई, बहुत ही ज्यादा प्यारा एनिमेशन है। हाँ इसे खुद को संभालना होगा, लेकिन इस आग के बिना ये पहले ही हार मान चुकी होती। भाई माँ दुर्गा हम लोग को ट्यूटोरियल बता रही है यार, और विष्णु भगवान उनको मत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़की थोड़ी स्टेबल नहीं है, इस तरह बहादुरी से नहीं चढ़ पाती। हमारी राजी को ऊंचाई से डर नहीं लगता, देखिए नीचे गिर गया मैं तो गलती से नीचे गिर गया मैं। अच्छा मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, ओ भाई ये सही है। रांझी सर्कस में काम करती थी, या सर्कस में काम करती तो उसको एक्रोबेटिक्स की आदत है। ओ भाई नीचे, मेरे को लगा मैं नीचे गिर गया, अभी मेरे को लगा मैं नीचे गिर गया। ओ भाई एनिमेशन बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे हैं यार इसमें भी। हाँ तो मेरे को इस साइड जाना है, ठीक है। और पीछे भाई जो बैकग्राउंड में तबला बज रहा है और हारमोनियम नहीं सितार है शायद, दोनों की आवाज बड़ी औसम है यार। उधर देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है और अपने बचपन के कर्तव्य इस्तेमाल करना भी। खंबे पर चढ़ना एक बात है और असुर का सामना करना उधर साइड बात है। जा सकता हूँ मैं, हाँ इधर साइड भी जा सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे को जाना उधर साइड था कि इधर साइड था, क्योंकि उधर साइड भी एक रास्ता दिखा रहा था। मैं एक बार उधर साइड जाके देखता हूँ क्या है वहाँ पे। पावर सही अच्छी खासी मिली है मेरे को दुर्गा जी की, और यहाँ से ऊपर चढ़ना है, और यहाँ से हम लोगों की स्टोरी लाइन फिर से स्टार्ट हो चुकी है। अपने भाई को बचाने के लिए राजी को असुरों का सामना करना पड़ेगा। उसने त्रिशूल पकड़ा और वो बहुत शक्तिशाली अस्त्र था, इसे ब्रह्मा विष्णु और शिव से आशीर्वाद मिला था, और ये उसके भयानक शत्रु का सामना रांझी के भाई के साथ और भी इंसानों को पकड़ा है, और हमारे पास ब्रह्मा विष्णु और शिव और दुर्गा चारों की पावर है मेरे हिसाब से। लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी, इसे धारण करने से पहले उसे शक्ति हिम्मत और भरोसे की जरूरत होगी। ओ भाई ठीक है ठीक है, हमको ये धारण करने से पहले शक्ति हिम्मत और भरोसे की जरूरत होगी, और हमने यहाँ पे कुछ इंसानों को बचा लिया है। मेरे भाई को देखा? राक्षस जो राक्षस है वो डी बच्चों को क्यों पकड़ ले, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को शायद इधर की साइड जाना है, वहाँ पे भी कुछ है भाई, एक मिनट रुको मैं उधर चल के देखता हूँ पहले क्या है। इधर से भी रास्ता है, वहां पे भी जा सकता हूँ मैं, शायद यहाँ पे भी जा सकता हूँ। मेरे हिसाब से वो क्या बोलते हैं एंशिएंट जो पीपल थे उनकी मॉन्यूमेंट्स टाइप का कुछ बन रखा है ये, तो फिर ये हो सकता है। बेचारे बच्चे वो रास्ता ढूंढ लेगी। ठीक है हमको जाना यहाँ से नहीं था वैसे, जाना उधर साइड से ही है, यहाँ पे रास्ता खुला नहीं है। मेरे को पहले बाहर उधर साइड भी जा सकता हूँ, इधर साइड भी जा सकता हूँ, पहले मैं इधर जाके देखता हूँ क्या है इधर। अपनी धड़कन सुनो युद्ध के नगाड़े जैसी। ओ भाई मेरे को युद्ध करने का तरीका बताएंगे अब, तुम्हें शक्ति ये लो जाएगी। और ये लड़ो राजी। ओ भाई डॉच करने का तरीका बता रहे हैं। ओ भाई से बी से क्या होता है, बी से कुछ नहीं दिखा रहे हैं, एक्स से मार सकता हूँ मैं, बी से पावर वाला अटैक कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, और ये कॉम्बो भी मार सकता हूँ क्या मैं, मेरे को थोड़ा बहुत टैक्टिक्स बता रहे हैं कि कैसे मैं लड़ सकता हूँ इसमें, और इन सब से कुछ भी मार सकता हूँ, इन सब से कुछ नहीं मार सकता हूँ मैं, ठीक है। मैंने शायद ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया। वाई से भी कुछ मार सकता हूँ, ओके वाई का तरीका बता रहे हैं अब क्या मार सकता हूँ मैं। ओ भाई शिव जी का त्रिशूल बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ओ भाई स्लैश स्लैश भी पड़ेगा क्या? ओ भाई एक डीमन आ गया है ओपड़ी पे, गायब हो गया डीमन, ये ले भाई असली आ गया डीमन ये तो, इसने असुर को मात दे दी है। ये ले भाई अचानक से असुर आ गया,
ओके मैं थ्रो भी कर सकता हूँ एलटी और एक्स से। एलटी से मैं रखूंगा और एक्स से थ्रो करूंगा क्या? और त्रिशूल का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। ओ भाई ऐसे ठीक ऐसे थ्रो करना है मेरे को। थोड़ा रेंज में जाना पड़ेगा और ये माने मारा दरवाजा खुल गया भाई। तो उधर साइड कौन सा दरवाजा था जो उधर साइड था? क्योंकि यहाँ पे भी शायद कुछ कॉम्बैट का तरीका बताएंगे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कि यहाँ से मेरे को सिर्फ ये एनिमेशन देखने के लिए जाना था कि वहाँ से उसका भाई को लेके जा रहे हैं गोलू को। भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा एनिमेशन है यार। त्रिशूल चमक भी रहा है यार बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से। अब मेरे को जाना है थोड़ा और आगे। एक और कॉम्बैट के तरीके बता रहे हैं। प्रेस ए एंड बी, एक्स नहीं, ए और एक्स एक साथ दबाना है मेरे को। ए और एक्स नहीं हो पड़ रहा यार मेरे से। ओ भाई मैं स्लैश कैसे मार सकता हूँ मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। ए और वाई शायद स्लैश पड़ जाए। ए प्लस वाई, ओ भाई ए प्लस वाई, ये देखो ये, ओ भाई ये देखो बड़ा हो जाए त्रिशूल। ये देखो जैसे मैं ए दबाऊंगा फिर वाई दबाता रहूंगा तो नए नए तरीके पड़ेंगे। हैवी अटैक्स आए एक तरीके से। ये देखो त्रिशूल बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है फिर। ओ भाई ये सही है। ओ भाई ये सही है यार। मेरे को ए और एक्स साथ में दबाने के लिए कह रहे हैं। देखे क्या पड़ता है इससे। ओ भाई डीमन आ गया, दो डीमन एक साथ आए वो भी। ओक दिया, मेरी लाइफ कहीं पे दिखा नहीं रहा है अभी मेरे को। भाई मजा आ गया डीमन को मार के। मेरी बच्ची वे तुम्हारे जितने शक्तिशाली नहीं है लेकिन संभल कर सभी दुश्मन तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। हाँ भाई ये भी है, मेरे को जाना सामने की तरफ ही है वैसे लगता है। ओ भाई यहाँ पे देखो डॉच कर, डॉच कर, ओ लग गई मेरे को थ्रो करना पड़ेगा यहाँ पे। ये डॉच कर और इसको ये ले, ठीक है मेरे को थ्रो करके भी मारने पड़ेगा एनिमी को। मैं इधर साइड तो नहीं जा सकता, मेरे को सामने की तरफ ही जाना है मतलब। ओ भाई लेकिन मजा आ रहा है ये देख रहे हो। ओ वॉल क्लाइम भाई इसे देखो। ओ भाई वॉल क्लाइम, ओ भाई ये बड़ा औसम था यार। ओके भाई ये बड़ा औसम था भाई बॉल क्राइम वाला भाई। लेकिन पायल की आवाज़ सुन रहे, छन 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 बहुत ही औसम बज रहे हैं भाई पायल की आवाज़। मेरे को नीचे की तरफ आना है। नहीं नहीं पकड़, नीचे गिर गया मैं। ये ले ये बी से क्या? ओ भाई ये देख रहे हो, ये देखो ये ले, जैसे मैं बी से ये कर सकता हूँ देख रहे, ये ले ये डॉच कर डॉच कर। ओ भाई पड़ गया मेरे को। ये ले मेरे को मारेगा तू। और भी बंदे हैं क्या? और भी टीम है, आओ छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। ये देखो मेरा स्पिन अटैक, हाँ मेरे पे चौड़े हो रहे हैं ज़्यादा। दुर्गा जी की पावर है मेरे पास, पटक पटक के मारूंगा मैं सबको। हाँ मेरे से चौड़े होते का। ओ भाई वहाँ पे क्या है वो? ये क्या है, ये क्या है वहाँ? अमृत बूंद, अमृत बूंद सुनहरा शहद, असुर को मारने का इनाम। इसकी शक्तियों से तुम्हारे घाव भर जाएंगे। लेकिन मेरी लाइफ है कहाँ जो मेरे घाव भर रहे हैं? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। एक तरीके से पोषण का काम करेगा अमृत बूंद। ठीक है भाई ये बड़ा सही निकाला इन लोगों ने तरीका। मंडल सभी को बीता हुआ कल दिखाता है। ओ भाई झलकों का बीता हुआ कल दिखाएगा मतलब होता है। ओ मेरे को इसको सॉल्व करना है, मिनी पजल टाइप का है। मेरे को यहाँ पे एक इंसान दिख रहा है उसको बनाना है। ये यहाँ पे जाएगा और ये हो गया। मैं और गोलू। ओ भाई ये बड़ा प्यारा एनिमेशन था यार। ठीक है मैंने यहाँ पे एक पजल सॉल्व किया लेकिन मेरे को इससे कुछ मिला कि नहीं मिला सवाल ये है। सॉल्व करने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मेरे हिसाब से, इसको बस बीते हुए पल की याद दिला रहा है मेरे को। ओ भाई ये देखो ए से बॉल और ये,
ओ भाई नए तरीके अटैक करने के लिए। आज ये ओ वाई भी दबा सकता हूँ मैं। ओ भाई डॉच कर ये लो। ओ भाई एक वहां पे दूर। एलटी से एम। ओ भाई अटैक, हट मेरे को मारेगा। थोड़ा मैं हड़बड़ा गया था यहाँ पे। ए ओ भाई ये बड़ा प्यारा अटैक है भाई वाई से। ये देख रहे वॉल क्लाइम और अटैक। ओ यहाँ पे फिर से डीमन आ रहे हैं। ओ भाई इसने मेरे पे अटैक कर दिया। एक मिनट रुको, मेरे पे अटैक करेंगे। ये लो ये ले, मेरे को मारेगा तू भाई। मजा आ रही है भाई इसमें कॉम्बैट करने में भी यार। लेकिन लाइफ पता नहीं चल रहा कि कहाँ से कम हो रही ज्यादा हो रही है। और काली का मंदिर, आपकी बहन के मंदिर में हमेशा बलि से भोग चढ़ता है। राजी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो सावधान रहे तो। ओ भाई ये काली माता का मंदिर है यार। हमको कोई नई पावर मिली है क्या काली माता से? तानी कोई पावर मिली है। ओ भाई एक टॉर्च कर। आरटी से। ओ भाई बिजली की इफेक्ट। उसने त्रिशूल की सही शक्तियों को समझना शुरू कर दिया। ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा बड़ा आदमी है। मेरे को लग गए मेरे को मारेगा तू गलत आदमी। ओए टॉर्च कर थोड़ा पा जा। ये ले एक ही बार में मर गया ये तो। थोड़ा कमजोर डीमन था, मेरे को लगा थोड़ा पावरफुल होगा, तभी मैं थोड़ा वॉल क्लाइम वाले अटैक मार रहा था। ओके भाई मेरे को एक और ऑसम पावर मिल गई है एलटी दबा के। ओ भाई ये देखो मेरी फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली रेंज। लेकिन ये चार्ज कैसे होगी, घट गई है तो। महाकाली मेरे को वापस दे दो यार एक बार और, मैंने गलती से यूज़ कर दी। चलो मेरे हिसाब से शायद मेरे को आगे मिल जाए। चलो मैं आगे चलता हूँ। लेकिन भाई यहाँ से मेरे को एक और चीज मिल गई है। मानना पड़ेगा वो कर लेगी। उसे युद्ध की कला की जरूरत होगी, ये सच है। भाई वहाँ पे एक और महाकाली का मंदिर है, मैं जाऊँ कैसे उधर साइड? शक्तिशाली होने से मेरा मतलब ये नहीं था। पता नहीं भाई उधर साइड में जाऊंगा कैसे मेरे को ये नहीं पता। लेकिन भाई मैं त्रिशूल फेंक सकता हूँ, त्रिशूल वापस आ जाता है मेरे पास। ये बहुत ही ज्यादा औसम है यार, मेरे को जाकर कहीं से लाना नहीं पड़ेगा त्रिशूल। ये है देखिए देवी दुर्गा, ओ भाई आपकी कहानी अपना ली है। ये जो दानव था जिसने ब्रह्मदेव से वो त्रिशूल पाया था, वही स्टोरी है शायद यहाँ पे। महिषासुर बदलने वाला, महिषासुर दुष्ट आत्मा, लेकिन उसके बिना आप नहीं आती। यही समय है जब उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था। उसे कोई आदमी नहीं मार सकता। ओके गाइस, जो क्या नाम था इसका? महिषासुर बदलने वाला। ओके गाइस, जो ये महिषासुर है इसको कोई आदमी नहीं मार सकता, इसलिए इन लोगों ने एक लड़की को अपना हथियार दिया इसको मारने के लिए। ये ब्रह्मदेव ने इनको पावर दी थी, मतलब महिषासुर को पावर दी थी। ओके उसे कोई आदमी नहीं मार सकता। अभी उसने हाहाकार मचा दिया था भाई, यही महिषासुर यही वाला है। यहाँ महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। ओ भाई स्वर्ग पे कब्जा कर लिया था, सभी देवताओं को हरा दिया और निकाल दिया। ओ भाई इंद्र को भी। ओके भाई इंद्र देव को भी निकाल दिया था इसने अटैक करके स्वर्ग में। भाई महिषासुर को कुछ ज्यादा ही पावर मिल गई थी लग रहा है। यहाँ पे शायद विष्णु जी के पास गए हैं, नहीं शिव जी के पास गए हैं। जन्म देवी दुर्गा, नहीं दुर्गा के पास गए हैं। को पता था कि उनके पास यही मौका है कि वे अपने शत्रु को खत्म करने वाला कोई जीव बना सके। उनकी सारी शक्तियाँ एक शरीर में सभी अस्त्रों के साथ। मैं सोचता हूँ आपके विचार क्या रहे होंगे। ओके विष्णु देव हमको ये भी बता रहे हैं कि देवी दुर्गा को
जितने भी भगवान थे सबने पावर दी महिषासुर को हराने के लिए, तो तब जाके देवी दुर्गा ने महिषासुर को हराया था। आपने उसे हरा दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। आप शेर की सवारी करते हुए युद्ध में सबसे आगे थी, सभी देव आपके पीछे थे एक नई हिम्मत के साथ। ओ भाई, महिषासुर ने अपना असली रूप लिया, एक भयावह भैंसे के रूप में पैर पटकता हुआ, योद्धाओं को अपने पैरों से कुचलता हुआ और अपने सींगों से सभी को हवा में उड़ाता हुआ। ओके, यहाँ पे दूसरी स्टोरी बताएंगे अब। आपने अपने त्रिशूल से घातक प्रहार किया था। ओके। आपके चेहरे पर कोई डर नहीं था, हालांकि महिषासुर ने स्वर्ग को हिला दिया था। आपकी आंखों में युद्ध की ज्योति, माथे पर लगन, मैं जानता था देवों ने क्या बनाया है, और मैं ये भी जानता था कि दुनिया में क्या बदलने वाला है। हर बार अच्छाई का जन्म होता है, यही दुनिया का संतुलन है। ओके, भगवान विष्णु देवी दुर्गा का बता रहे हैं कि जन्म कैसे हुआ था। महिषासुर को हराने के लिए सारे देवता ने पावर दी थी। ओके, देवी दुर्गा के बारे में पूरी स्टोरी बता रहे हैं ये लोग। भाई बहुत ही औसम। ओ डबल वॉल क्लाइम। ओ भाई डबल वॉल क्लाइम, भाई ये भी औसम है। यहाँ क्या हुआ था? वो भाई जगह की बुराई महसूस कर सकती है। आप चौंक गए? महाबलासुर के असुरों ने भूमि देवी के एक पवित्र पेड़ को खराब कर दिया है। ओ भाई, बुराई रोकने के लिए ही भगवान शिव ने उसे बंदी बनाया था। बुराई है क्या? सभी चीजें बदलती। ओ भाई, मार ये ले, मेरे को मारे। ओ भाई मार दिया इसने मेरे को, मैं कह रहा था मेरे को मारेगा, इसने हॉक दिया मेरे को भाई। लेकिन यहाँ पे जो महिषासुर के बंदे थे उनने क्या बोलते, भूमि देव के एक पवित्र पेड़ था उसको तबाह कर दिया, तब वो शायद बाहर निकले था। मेरे को शायद इसको फिक्स करना है थोड़ा सा, और ये यहाँ पे नाक फिट हो जाएगी इसकी, और ये ठीक है। हमने पेड़ को जोड़ दिया यहाँ पे, जो एंशिएंट पेड़ था जिसमें दानव सारे कैद थे। राजी यहाँ पे राखी बांध रही है। राजी को गोलू की एक झलक दिखाई, काले बादल, एक भयंकर तूफान दुनिया को तबाह करने की चेतावनी दे रहे हैं। ओ भाई, और इन सब के पीछे शक्तिशाली और दुष्ट असुर हैं। भाई असुर है कौन? वो महिषासुरी तो नहीं है कहीं? और यहाँ पे पेड़ फिक्स हो गया। रास्ता जय घर के किले के ओर जाता है, वो शक्तिशाली है देवी दुर्गा। हाँ वो है, मुझे उम्मीद है कि वो उसे सहन कर पाएगी जो वो अंदर देखेगी। ओके भाई, यहाँ पे एक और जगह जहाँ पे असुर है, मेरे को वहीं जाना है। जय किले के अंदर शायद ऐसे ही कुछ बोला उनने, मेरे को वहीं जाना है भाई। रास्ता यही वाला है, यहीं से जा। ओ भाई, मैंने कहा ये कहाँ से आया अचानक? ये सही है, अचानक ब्रिज बन गया भाई यहाँ पे। मैं एंटर करने जा रहा हूँ जय पैलेस में। ओ भाई बहुत ही ज्यादा औसम गेम है यार ये, बहुत ही ज्यादा औसम गेम है यार। किला उसके लिए चुनौती होगी, लेकिन वो अपनी ताकत बढ़ा रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारी बहुत जल्द बहुत ही ज्यादा औसम बैटल होने वाली है यार, लग रहा है मेरे को। और पीछे शायद एक टेम्पल टाइप का है ऐसे ही कुछ है वहां पे। नहीं नहीं, वो शायद महल है। ओके, महाबालासुर से लड़ाई होने वाली है हम लोगों की। स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजों पर मानवों का नियंत्रण नहीं है। ओके, एक्स से नीचे जाना है, स्लाइड करते। ओ भाई ये बहुत ज्यादा प्यारा एनिमेशन था यार, ये बहुत ज्यादा प्यारा एनिमेशन था यार। मेरी अभी होने वाली महाबालासुर से लड़ाई, मैं जा रहा हूँ उसको हौंकने के लिए। आ जा महाबालासुर, कहाँ है तू? बाहर निकल, मैं आ गया। राजी के भाई को बाहर निकाल, और मैं यहाँ से पार करता हुआ जा रहा हूँ महाबालासुर के पैलेस में ना। हाँ पैलेस ही है उसका ये।
आराम से पहुंच जाएंगे हम लोग भाई। लेकिन गेम बहुत ही ज्यादा प्यारा है यार, जो ग्राफिक्स है ना इसमें बहुत ही ज्यादा प्यार लग रही है यार 4D में। ये कौन है? क्या तुम सो रहे हो? ओके ये तो मर गया है। ओके ये तो मर गया है बेचारा। इसको मौत आ गई, माँ वाला सुन ने मार दिया ऐसे। मेरे को ऊपर की तरफ जाना है, कहाँ जाना है? और यहाँ भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा एनिमेशन है यार, ये स्लाइडिंग वाला यार बहुत ही ज्यादा प्यारा एनिमेशन है। ओके यहाँ पे हम महा दुर्गा के मंदिर में आ चुके हैं यार सारे। यहाँ पे घंटी बजानी है मेरे को और ये बज गई भाई। ओहो भाई एनिमेशन देखो कितना प्यारा है ये भी। ओके मेरे को नई पावर मिलेगी क्या कोई? हाँ भाई एक नई पावर मिली है यहाँ। ओ भाई असाइन फेवरेट ऑप्स टू अनलॉक एबिलिटी ऑन योर वेपन। भाई नई नई एबिलिटीज अनलॉक कर सकता हूँ मैं तो। होल्ड ए करना है मेरे को, एड फेवरेट ऑप्स एनिमी पावर्स एबिलिटीज एंड इंक्रीज देयर प्रोबेबिलिटीज टू नेविगेट। ठीक है मेरे को इससे नेविगेट करना है। टू असिस्ट ऑर्ब ए से सेलेक्ट कर सकता हूँ, टू रिमूव और रिमूव भी कर सकता हूँ भाई ये सही है। ठीक है मैं यहाँ से अभी तो नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से ये हमको ट्यूटोरियल दे रहे थे अभी। ओके नेविगेट कर सकता हूँ ठीक है मैं। जो भी पावर वाला है ये क्या करेगा? लाइटनिंग चैलेंज थ्रो मल्टीपल एनिमी एट वंस, योर एनिमी आर कॉट इन अ लाइटनिंग स्टन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके लाइटनिंग बोल स्ट्राइक योर एनिमी फ्रॉम द स्काई। भाई मैं सोच रहा हूँ इसको दूं मैं, ये तीन चार एनिमी को एक साथ मार सकता है। ओके गाइज अब मैं यहाँ से कहाँ जाना है मेरे को देखना पड़ेगा। ओ भाई यहाँ पे तो असुर आ गया, ये ले। ओ भाई बच गया। ओ भाई डॉज लग गई यार मेरे को, मेरे को बी से डॉज करने की आदत है लेकिन ए से यहाँ पे डॉज होता है यार, ये ले। ओ भाई अबे इससे थ्रो करना है मेरे को, मैं भूल जाता हूँ थ्रो करना है मेरे को नीचे वाले से। ठीक है मेरे को लेकिन लाइटनिंग चेन मारूंगा कैसे मैं? ओ भाई ओ ये ले। ओ भाई ये बड़ा तेज है, ये ले। अब भाई ये बड़ा तेज था यार, भाई टॉच कर, ये ले ये लो ये ले। ओ भाई ये बड़े हार्ड थे यार असुर मारना, भाई ये असुर बड़े तेज थे यार, लिजर्ड टाइप के थे असुर, ये बड़े तेज थे, अचानक से आके मेरे पे अटैक कर दिया। तो ये लाइटनिंग का मेरे को समझ में नहीं आया, वो लाइटनिंग पड़ी कैसे मेरे को सीखना है। ओ भाई यहाँ पे और आ गए, ये देख यही वाला एनिमी है जो बेकार है, ये ले मेरे पे अटैक करोगे तुम लोग, हॉक दूंगा मैं सालों को, एक एक को पटक पटक के मारूंगा मैं। कहाँ है माँ बकासुर, क्या नाम था उसका, माँ बकरसुर था ऐसे कुछ नाम था। ओ भाई वहाँ पे भाई है रांची का। गाड़ियाँ, मैं यहाँ नहीं जा सकती। ओ भाई गोलू मैं आ रही हूँ। ओ भाई वो कासल के अंदर जा रहा है गोलू को लेके, गोलू मैं आ रहा हूँ गोलू। हाँ कहाँ है रे गोलू? ए गोलू मोलू मैं आ रहा हूँ, रुक जा भाई रुक जा मेरे छोटे भाई, मैं आ रहा हूँ बचाने। लेकिन जाना किधर है? ओ भाई यहाँ पे और रास्ता, ये ले। ओ भाई तो पीछे, ये तो राक्षस ही बड़े गंदे हैं। ओ भाई अचानक से कूद ही अटैक कर रहे हैं भाई मेरे पे, बड़े गंदे हैं यार ये, मतलब झुंड पे वार कर रहे हैं, झुंड से वार कर रहे हैं। मानवों द्वारा बनाया गया और दुनिया के दो हिस्सों में बंटने तक असुरों द्वारा जीता गया। ओ भाई ये बड़ा औसम ट्यूटोरियल बता रहे थे, कोई मानवों द्वारा बनाया गया ये क्या महल है जो दो भागों में बटा हुआ, एक गया ये ले। ओ भाई चेन लाइटनिंग मेरे हिसाब से बैटल के टाइम पे ही पड़ेगी चेन लाइटनिंग। अब और जीवों से उसका सामना होगा, क्या उसे पता है कि वो पीछा कर रही है? मैं भी महाबालासुर के मन की बात नहीं बता सकता। ओ भाई महाबालासुर नाम है इसका, महाबालासुर मेरे साथ भगवान है। महाबालासुर बाहर निकल, मैं आ गया हूँ तेरे किले पे जहाँ पे तूने कब्जा किया है, चल रांझी ऊपर चल, महाबालासुर से तेरे भाई को बचाना है मेरे को। ओ भाई वो क्या है? ये सच में बहुत सुंदर है। सही में यार वो है क्या? त्रिशूल? नहीं धनुष। एक उपहार भगवान विष्णु। ऐसा लगता है। ओ भाई मेरे को धनुष मिलने वाला है क्या? भाई मेरे को लग रहा है वो धनुष मिलने वाला है मेरे को। ओ
बड़ा वाला सा धनुष। और यहाँ से इधर ये कौन सा जानवर है वैसे? लेकिन भाई मेरे को धनुष को जोड़ना पड़ेगा पहले, एक मिनट, पहले मैं धनुष को जोड़ता हूँ यहाँ से। दबाए रखना है मेरे को, चमक रही है रस्सी पता नहीं क्यों। और ये खींचा मैंने धनुष, नीचे खींच रही है। भाई इतनी पावर कहाँ से आ गई सर के पास? धनुष तोड़ दिया। राम रामायण वाला हो गया, मैं मर गया। धनुष तोड़ने के बाद मैं मर कैसे गया? ओ भाई कूदना है मेरे को यहाँ से इधर जल्दी। ठीक है ठीक, ओ भाई यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा मेरे को, ये पूरी जगह टूट रही है भाई उस धनुष को तोड़ने के बाद। भाई पहुँच गया मैं, वो धनुष को तोड़ने के बाद मेरे पे अटैक हो गया पता नहीं क्यों। वो धनुष लेकिन मेरे को मिला नहीं यार, मेरे को लगा मेरे को वो धनुष मिलेगा लेकिन नहीं मिला। वो धनुष मेरे को मिलना चाहिए था ना, गड़बड़ी हो गई। ये क्या है यहाँ पे? ये चमत्कार है भाई, मेरे को मिल गया धनुष। मैं तो बस कह रहा था ये कौन सा अस्त्र है, ये कोई नया अस्त्र बोला यार इसने, कौन सा अस्त्र बोला यार मैंने सुना नहीं यार। लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। भगवान विष्णु आपका धनुष बहुत अच्छा उपहार है। ओके भगवान विष्णु का धनुष है, होना चाहिए है ना? ओके ये भगवान विष्णु का धनुष है। ओ भाई आसमान से गिर रहे हैं, और ये नॉर्मल त्रिशूल नॉर्मल एरो पड़ेंगे। ओ भाई ये लाइटनिंग एरो। ओ भाई यहाँ से मतलब मैं आसमान से एरो बुला सकता हूँ, ये देख रहे हो, इनको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ एरिया पे। और यहाँ से इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं हो रहा है बी से, ठीक है भाई। लेकिन मेरे को धनुष मिल गया यार, मैं यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ धनुष को, चेंज नहीं कर सकता मैं। ओके यहाँ से, ओके यहाँ से मतलब मेरे वेपन चेंज होंगे। यहाँ से मेरे को क्या बोलते हैं, महादुर्गा का त्रिशूल है, यहाँ से विष्णु जी का वो है। ओके गाइस मेरे को यहाँ से सारिंगा मिल चुका है विष्णु जी का, एशियन बो क्राफ्टेड बाय विश्वकर्मा द क्राफ्टमैन ऑफ गॉड। भाई मेरे को एक बो मिल गया, इसमें भी मैं लाइटनिंग वाइटनिंग यूज कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। भाई मैं यहाँ से वेपन चेंज कर सकता हूँ यार, अब नए नए वेपन। अब आओ तुम, बताता हूँ मैं तुम लोगों को, यहाँ से आ गए। ओके मेरे को यूज करना सिखा रहे हैं, ऐसे मैं रेंज एनिमी पे भी अटैक कर सकता हूँ मैं। ये लो, ओ भाई ये लो, ओ बच्चा बच्चा ये ले। और भी कोई बचा है क्या? भाई मैंने अंधी पे मार दिया सबको इस बार, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया, ऊपर से एनिमी कूद गया भाई मेरे पे। ओके मैं ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ, ये सही है वेपन। मेरे पास और भी वेपन आएंगे, 4 वेपन अनलॉक कर सकता हूँ भाई मैं। महाकाली का फिर से एक स्टैचू है, यहाँ से चेंज करता हूँ मैं। ये ले ये ले ये ले ये ले। ओ भाई ऊपर से एक अटैक कर रहा है बंदा मेरे पे, पहले मैं इन सबको हॉक देता हूँ। ओ भाई डॉच कर, डॉच कर, ये ले ये ले। ठीक है भाई, यहाँ पे महाकाली को मैंने मतलब वो दिया है, ऑफर्स दिए हैं, तब मेरे को ये पावर मिली है। ठीक है मेरे को ये पावर बचा के रखनी है, इतना समझ के रखो बस। अब मैं सोच रहा था महाबकासुर को मार के चलता, मैं बकासुर या फिर जो भी नाम है उसका, उसको मार के चलता तभी मजा आता है। ओ भाई मैं पैलेस के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पे रांझी के भाई को लेके जा रहे थे वो डॉच कर। ये ले मेरे को मारेगा तू भाई, लेकिन त्रिशूल की पावर बहुत ही ज़्यादा औसम है यार, एक ही शॉट में सबको उड़ा दे रही है। ओके यहाँ से मेरे को अमृत मिल चुका है, ठीक है मैंने लाइफ थोड़ी फुल कर ली है यहाँ से अपनी, और मेरे को पता नहीं मेरी लाइफ कितनी बची है भाई, मेरे को पता नहीं है लाइफ कितनी बची है। यहाँ से मेरे को ऊपर की तरफ ही जाना है, क्योंकि मैं एंटर नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। यही है, यही वो जगह है जहाँ वो गाड़ियाँ ले गए थे। खोलो खोलो, मुझे अंदर आने दो। कुछ नहीं, मैं अब क्या करूँ? ओके मेरे को लग रहा था मैं यहाँ से एंटर नहीं कर पाऊंगा, मेरे को जाना पड़ेगा पीछे के रास्ते से, पर जाना है मेरे हिसाब से यहाँ से। हाँ मेरे को लग रहा था। ओ भाई वो कौन सा अमृत है, ये क्या है? ओ भाई ये क्या था भाई, मैं दीवार से क्रॉल करते हुए उतनी दूर कूद गया यार गलती से, मेरे को चढ़ना वैसे ऊपर था भाई। ये वायलेंट की आवाज़ देख लो कितनी तेज ले आए ये लोग, कि मैं किसी राक्षस के पास हूँ शायद, इस वजह से तेज आ रही है आवाज़। ये क्या है? ओके मेरे को एक और मिल चुका है,
तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ इसको। इस सब में शायद एक ही पावर यूज होती है, इन सब में मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से इसी में यूज कर सकता हूँ मैं, एक बार और भर सकता हूँ इसको। मैं 3 लेवल तक कर सकता हूँ मैं इस चीज को। ओके, मेरे को शायद अभी इस पे देना चाहिए, ज्यादा सही रहेगा। एक ये थ्रो करता हूँ, एक इस पे अटैच कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैं 3 लेवल तक अपग्रेड भी कर सकता हूँ इनको। ओके, ओ भाई यहाँ पे एक और पेड़ है जिनने राक्षस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, यहाँ पे एक और वैसा ही पेड़ है। ओके, मेरे को शायद इस पेड़ को भी जोड़ना पड़ेगा, अब काम बनेगा मेरा। यहाँ पे शायद बैटल होगी मेरी। ये ले, और भी कोई आ जा आ जा आ जा। मेरे पास भाई दुर्गा का वेपन है, हॉक हॉक के मारूंगा मैं। ओके, मैं अभी शायद यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता जब तक मैं उस पेड़ को फिक्स नहीं कर लूंगा। और ये गया इधर और पेड़ जुड़ गया। ओके, हमको दिखा रहे हैं राक्षसों ने कैसे यहाँ पे अटैक किया। किसने बंदी बनाया, उनका मकसद क्या था? अगर राजी को सच्चाई पता होती तो वो आसानी से हार मान जाती। क्योंकि वो असुर बहुत बेरहम है और स्वर्ग खतरे में है। ओके भाई, वो असुर लौट आया है, वो असुर लौट आया और यहाँ पे मैंने पेड़ सही कर दिया है। ठीक है, यहाँ से कुछ नया मिलेगा क्या हमें? कुछ नहीं मिला। मैंने यहाँ पे प्रेयर कर ली, अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ जहाँ पे वो रास्ता बंद था। वो रास्ता खुल गया होगा मेरे हिसाब से, वो रास्ता खुल चुका है, यहाँ से अब मैं जा सकता हूँ ऊपर। भाई अभी तक मेरे मेन बॉस से फाइट नहीं हुई यार अभी तक किसी। यहाँ से लेफ्ट राइट और यहाँ पे मेन बॉस आना चाहिए भाई। मेन बॉस कहाँ है मेन बॉस? ये अजीब है ना कि ऐसा होनहार बच्चा पैदा हुआ। कौन सा बच्चा? ऐसे वंश का जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कौन कह सकता है कि ये सब कैसे होता है? ओ भाई यहाँ पे एक और तस्वीर है, ये माँ दुर्गा की है भाई, माँ दुर्गा की एक और तस्वीर। उन्होंने शक्ति का चित्रण किया है। ओ भाई बीच में वो सर्किल किस चीज का है? अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं आदि पराशक्ति हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ। ओ भाई, उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। ओके, यहाँ पे महा दुर्गा का बताया है, यहाँ पे ब्रह्मा देव और सरस्वती की तस्वीर बनी है। ब्रह्मा को उन्होंने निर्माता की भूमिका दी और बुद्धिमान सरस्वती को उनकी सहयोगी बनाया। दोनों साथ मिलकर दुनिया बनाएंगे। की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे विष्णु देव है। मेरे लिए उन्होंने मेरे सभी जरूरी अवतारों में संरक्षक की। लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं भाई आरटीए। देवी लक्ष्मी को मेरा सहयोगी बनाया जिससे समृद्धि और वैभव मेरे हाथों में रहे। ओके गाइस, यहाँ पे हमको पूरी भगवान की स्टोरीज बता रहे हैं यार, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं यार। वो गेम बहुत ही ज्यादा औसम है यार, जो कहो। कि मैं यहाँ से आ चुका हूँ। ओके, वो रहा उसका भाई गोलू। भाई अभी तक कासल में एंटर नहीं कर पाए ये लोग क्या? कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो वे चाहते हैं? भाई नीचे कैसे उतरूंगा मैं यहाँ से? एक्स दबाने के लिए आया था शायद अभी। ओके, यहाँ से एक्स दबाना है। ये एनिमेशन पता नहीं मेरे को बहुत ही ज्यादा प्यार लग रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे राक्षस से बैटल होने वाली है मेरी। ये लो, 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 ये लो
ये ले मेरी पावर, लो तुम। आप भाई काली माता की पावर यूज कर ली मैंने। ओ भाई एक और पावर थी मेरे पास काली माता की, मैंने दोनों यूज कर ली।
भाई दो पावर थी मेरे को याद आया, मेरे पास दो थी और तीसरी मैंने यहाँ से वापस ले ली है। भाई यहाँ पे एनिमी ऊपर ऊपर कूद कूद के आ रहे थे मेरे को मारने के लिए, लेकिन हॉक दिया मैंने उनको सबको। हाँ मेरे को यहाँ से वो दरवाजा था जहाँ से मेरे को आना था, और इधर तो कुछ है नहीं, इधर साइड भी कुछ नहीं है। मेरे को अगर वो क्या बोलते हैं ऑर्ब्स मिल जाए वाइट वाले तो मैं यूज़ कर लूँगा ना उनको भी। ओ भाई ओके, मेरे को यहाँ पे और भी लेने आना था ये वाइट वाला, ठीक है ये भी ले लेता हूँ मैं। मैं इसको फिट कर देता हूँ बीच वाले में, है कि नहीं? इस पे नहीं नहीं इस पे लगा देता हूँ ए से। ये करेगा योर एनिमी आर कॉट इन अ लाइटनिंग सन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। लेकिन ये यूज़ कैसे होगा इसके बारे में मेरे को अभी पता नहीं चला। मेरे हिसाब से मैं बैटल करूँगा तभी वो उन पर अटैक कर देगा अपने आप ही। मर गया मैं। ओ भाई यहाँ पे और एनिमी आ गए, ये लो। ओ भाई स्टन हो गया एनिमी, देखा आपने? ये एनिमी स्टन हो गया था ये वाला थोड़ी देर के लिए। ओ भाई लाइटनिंग उसको अपने आप स्टैंड कर दे रही है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ छोटे भाई। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, डरो नहीं। ओ भाई यहाँ से मेरे को अमृत मिल गया, ठीक है मैंने यहाँ से अमृत ले लिया, लाइफ फुल कर ली अपनी। और भी कोई है क्या? ये क्या है रेड वाला? ये ले, अचानक से अटैक करेगा। ये ले, अचानक से अटैक करेगा भाई मेरे पे तो। ये ले भाई, ये क्या था? टॉस कर, टॉस कर। ये कौन सी पावर थी भाई? भाई टॉस कर, टॉस कर, टॉस कर, टॉस कर। ये ले, वो कर वेपन, मैं मर जाऊंगा ऐसे। टॉस कर, ये ले, ओ भाई टॉस कर, ये ले। भाई एक एक करके एनिमी क्यों आ रहे हैं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी एक साथ आते तो हॉक देता मैं इनको, क्योंकि इतना ओपन एरिया है। नहीं हुआ, जाना किधर? ओके मेरे हिसाब से मेरे को इधर साइड जाना होगा। वहाँ पे राक्षस दिख रहा है मेरे को भाई, और विलेजर्स भी दिख रहे हैं वहाँ पे। गोलू कहाँ पे इसमें? ओके ये रहा गोलू, बीच में खड़ा है जो सेकंड नंबर पे। असुरों को वो क्यों चाहिए? भाई इसने तो फेंक दिया किले से, फेंका क्यों? वो गोलू को पकड़ लिया रे। इन जीवों ने अंधेरे के मंडल को बुलाया जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया था। ओके ये पोर्टल बुला रहे हैं, ये पोर्टल से इनको एक से दूसरी जगह भेज रहे हैं। इसको नहीं भेजा गोलू को, काहे नहीं भेजा? एक को तो फेंक दिया उन्होंने नीचे। राजी यहाँ पे आ गई है लेकिन असुरों के मुखिया ने उसका रास्ता रोक दिया और अचानक गोलू गायब हो गया। ओ भाई गोलू को लेके भाग गया असुरों का मुखिया, पता नहीं कहाँ पे वो गोलू का इंतजार कर रहे थे। ऐसा क्यों? गोलू के पास ऐसी क्या पावर है जो रांझी के पास नहीं है? और यहाँ पे हमारी बैटल होने वाली है, बॉस बैटल, पहली बॉस बैटल यार रांझी में। अब आओ तुम गए मेन बॉस हो ना तुम। ये ले भाई ये चीफ मैन है। डॉच कर, डॉच कर, डॉच कर। ये और ये ले, ये और ये ले। ओ भाई मेरे हिसाब से धनुष लेना चाहिए मेरे को यहाँ पे। ये ले डॉच कर, डॉच कर। ओ भाई मैं मार बच भागू कैसे भाई? रेंज यानी मैं अटैक करना पड़ेगा मेरे को इस पे। ये ले ओ भाई मेहनत करना बेकार है। आजा आजा ये गया। ओ भाई इस पे पता नहीं अटैक नहीं हो रहा है क्या ये? भाई डॉक्टर, ओ भाई बहुत ही खतरनाक एनिमी है यार ये। ओ भाई ये तो बहुत बैटल बड़ी खतरनाक हो रही है।
भाई डॉच कर, ये ले नष्ट कर दूंगा। डॉच कर डॉच कर जीव। और ये महा दुर्गा, ओ महा दुर्गा का अटैक भाई, ये मैंने गलत जगह यूज कर दिया मैंने। ओ भाई फिर से गलत जगह अटैक कर दिया महा दुर्गा का मैंने, मैं महाकाली का अटैक। टॉच कर भाई, मर जाऊंगा। ओ भाई लग गए। भाग। ये तो छोड़ ही नहीं रहा है पीछा। ओ भाई इसमें अटैक सारे नहीं पड़ रहे हैं यार मेरे, अटैक वो हो जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाए। दूर रह। ये एरिया इसका बड़ा कम है यार। ये ले भाई, ये ब्लॉक भी कर रहा है। डॉच कर थोड़ा दूर चल। ये ले भाई, मेरे वो जो काली माता ने दिया, ओ भाई वहाँ पे कुछ है क्या? ओके वो तो मेरा ही एरो है भाई। मैं छुप सकता हूँ क्या यहाँ पे? नहीं छुप सकता हूँ। डॉच कर। ओ भाई क्या बच रहा हूँ मैं। भाई मैं इस पर अटैक कहाँ से करूँ? भाई सामने से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ इस पर अटैक मैं। नहीं। डॉच कर। ये ले। ओ भाई डॉच कर। ओ भाई मैं इसको जहाँ से अटैक कर सकता हूँ वो है इसका नीचे वाला हिस्सा। ये ले। ओ भाई डॉच कर। ये ले। ओ डॉच कर। ओ भाई लग गए। ओ भाई लग गए फिर से लग गए। बस कर। डॉच कर भाई, इसको मारना बड़ा डिफिकल्ट है यार। ये ले। ये ओ भाई डॉच कर लग गया। ये ले। ओ भाई लग गए, फिर से लग गए। ये ले। ये डॉच कर जाओ यार। ओ लग गए यार, इसके इससे लग गए मेरे को। लग ओ भाई डॉच करना पड़ते रहेगा मेरे को लग रहा है। ये ले। ओ भाई लाइफ नीचे थी। ओ भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड थी यार, ये घूमता रह रहा था, मेरे को मारने का मौका नहीं मिल रहा था इसको भाई। लेकिन आखिरी में मैंने मार ही दिया बॉस अपने, विष्णु जी के जो बॉस था उससे मार ही दिया आखिरी में मैंने भाई। पहली बॉस बैटल बहुत ही ज्यादा औसम थी यार। ये बच्चे राजी को धन्यवाद करने के लिए भागे। ओके हमने कुछ बच्चों को बचा लिया है। मंडल की वजह से गुफा कमजोर हो गई थी। ओ भाई महल कमजोर हो गया और सारे बच्चे नीचे गिर गए। हमने बचाने का फायदा क्या वो हमारा इन लोगों को? शायद राजी मरने वाली थी, शायद वो हार गई थी। माँ दुर्गा ने अपने पास बुला लिया हमें थोड़ी और पावर देने के लिए। ये लोग कौन है? तभी रहस्यवादी आए, उन्होंने राजी का शरीर उठाया। ये शायद गुरुदेव हैं एक तरीके से, पानी में हमको छोड़ना है। वाई भाई ऐसे एनिमेशन हम पहले बचपन में देखते थे यार, लेकिन यादें ताजा हो जा रही हैं यार बचपन की। ये भाई मजा आती थी उस टाइम पे देखने में ये सब। जैसे राजी बह रही थी उसे दिखाई दिया। ए ये आंख, डीमन की आंख, आनवों की आंख। यहाँ पे रांझी का भाई और यहाँ पे दानव एक। उसके भाई के साथ कौन था? वे क्या चाहते थे? यही तो पता लगाना है हमें गेम खेल के। वो नाव में जाग गई और उसे दूर एक नगर दिखाई दिया। ये बताओ बच्चे बच्चे हैं कि नहीं बच्चे हैं? सवाल ये उठता है भाई मेन, उनको बचाने का फायदा क्या हुआ अगर वो मर गए तो बिल्डिंग कोलैप्स होने से? पहले के महान राजाओं ने उसे बनाया था और इसके लिए अपनी जान दी थी। ओके
लेकिन अब वहाँ के रहने वाले दुष्ट परछाइयों के दास थे अपनी इच्छा के खिलाफ। रक्षकों ने राजी को आशीर्वाद दिया क्योंकि वही इन लोगों की आखिरी उम्मीद थी। ओके भाई, हमको रक्षकों ने आशीर्वाद दे दिया है कि जाओ राजी, जाओ उस डीमन को हरा के आओ। ये मछली, मछली किस लिए है? ओ भाई, विष्णु जी की तस्वीर पीछे दिख रही है मेरे को एक। ओके गाइस, ओके हम लोग शायद दूसरी जगह एंटर कर चुके हैं। ओके गाइस, हम लोग दूसरी जगह आ चुके हैं। भाई बहुत ही ज्यादा ऑसम गेम हो रहा है यार ये। क्या हुआ था? ओह मेरे भाई, तुम बहुत पास थे, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। क्या मैंने उससे कुछ ज्यादा मांग लिया? ओके भाई, तो समय ही बताएगा। ओके दुर्गा और विष्णु जी के अपने बातें चल रही है मौज में। भाई उन दोनों के अपने बातें चल रही है कि राजी कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये सब बातें चल रही है। लेकिन भाई गेम बहुत ही ज़्यादा औसम है, अगर आपने खेला नहीं है तो खेलेगा जरूर। भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा गेम है, ग्राफिक्स भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, और जो भगवानों के बारे में बीच बीच में बताते जाते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है यार। बट म्यूज़िक तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्यार लग रही है भाई, बीच बीच में जो औसम सी म्यूज़िक आ रही है भाई बहुत ज़्यादा प्यार लग रही है। अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।